नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, मैं मनमोहन सिंह जी के एक बयान को कोट करता हूँ। आदरणीय मनमोहन सिंह ने किसान को उपज बेचने की आज़ादी दिलाने और भारत को एक कृषि मार्केट बनाने के बारे में बोला था। आपको तो गर्व होना चाहिए कि मनमोहन जी ने कहा था, मोदी को करना पड़ रहा है। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, वहां भी उन्होंने इसे थोड़ा थोड़ा लिया ही है, उसके बावजूद विरोध। इस दौरान पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह कृषि सुधारों के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस उनकी बात तो माने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधारों की बात की है। शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया। हमें जो अच्छा लगा वो किया, आगे भी सुधार करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बात बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उस पर भी चर्चा होती। कृषि मंत्री ने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक इस पर बात की। चौधरी चरण सिंह ने छोटे किसानों का जिक्र हमेशा अपने भाषण में किया। आज 12 करोड़ छोटे किसान हैं। क्या इनके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना? किसानों के आंदोलन को विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया गया। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी समय को बढ़ाकर किसानों के मसले पर चर्चा की गई। सरकार की ओर से पहले भी कई बार किसानों से बात की जा चुकी है, हालांकि अभी बातचीत रुकी है। लेकिन अब पीएम मोदी के बयान के बाद एक बार फिर उम्मीद जगी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।